All right, I'll have to count you girls down. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies, good morning. Good morning. बताओ हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? जल्दी से. तुम लोग को सब कुछ कैसे पता होता है? एक्चुअली नहीं, हम यहाँ बजाते रहो सेशन के लिए नहीं है. आज आप लोगों का अगला कॉम्पिटिशन होने वाला है. We were not expecting a competition for sure. आज के competition में जो quality लड़के ढूंढ रहे हैं वो है glamour. Glamour एक बहुत important factor होता है और जो मेरे हिसाब से glamour है, it's basically your attitude. I think to attract guys, that much more effort is always required. All right, आज क्या होगा कि आज आपको सब लोगों को एक मौका मिलेगा to actually professionally have a photo shoot. जब मुझे पता चला कि ये कंपटीशन फोटो शूट है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई. टास्क के दरमियान बॉयज आप लोगों को जज नहीं करेंगे. बॉयज विल एक्चुअली जज यू बाय द फोटो. कुछ टाइम में आप हमारी स्टाइलिस्ट से मिलने वाले हैं जो आप लोगों की मदद करने वाले हैं. उनका नाम है शायल एंड हमारे फोटोग्राफर हैं, उनका नाम जुबेर है. ऑलराइट, बेस्ट लक लेडीज. थैंक यू. हमें ऑब्वियसली हेल्प मिलती है एक स्टाइलिस्ट से एंड अ फोटोग्राफर, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया वो हमारा ही होता. दे वर जस्ट टू हेल्प अस. हाय गाइस, आई एम शायल एंड ही इज साइद जुबेर, फोटोग्राफर. माय ओनली सजेशन एट दिस मोमेंट आप लोगों के लिए ये है कि एवरी वन ऑफ यू आर ब्यूटिफुल. यू जस्ट हैव टू फाइंड योरसेल्फ. दैट इंडिविजुअलिज्म is going to be the key. So we were all very excited and we just couldn't wait to, you know, start the rest of the day. जब हम फोटो शूट की साइट पे पहुंचे तो सभी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लग रहे थे. सबके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, सबकी एक्सेसरीज बहुत अच्छी थी. मेरे को सबसे पहले जाना था तो मैंने डिसाइड करके रखा था. मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं सैंड के ऊपर रहकर शॉट्स दूंगी. ऋतु अनग्लैमरस लग रही थी क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम मुझे अच्छा नहीं लगा. ऋतु का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो था क्योंकि उसे अपनी बॉडी के बारे में बहुत कॉन्शियस है. She looked beautiful. और जब वो पोज कर रही थी, I was thoroughly impressed. बॉस्की को कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था इतनी ग्लैमरस आउटफिट में और वो सारी एक्सेसरीज एंड यू नो शी वाज लुकिंग लाइक अ वॉरियर प्रिंसेस. बॉस्की भी बहुत हॉट लग रही थी. आई डिडंट लाइक द बिकिनी लेकिन जब वो पहना इट लुक वेरी ग्लैमरस ऑन हर. मुझे श्रद्धा का स्टाइलिंग पूरा बहुत पसंद आया था. हर हैट एंड टाई कॉन्सेप्ट वाज रियली नाइस. अगर आपके पास एक हैट है, टाई है, यूज करो. एटीट्यूड दिखाओ, आपके चेहरे से छलकना चाहिए जो ऑब्वियसली श्रद्धा के चेहरे से नहीं दिख रहा था. हैरानी मुझे प्रियंका पे हुई कि शी हैड अ वेरी नाइस कॉस्ट्यूम एंड उसमें बहुत हिम्मत थी वो पहनने की क्योंकि मैं वो अगले 10 जन्मों में नहीं पहन सकती थी. I think Bianca's costume was really nice and sexy. having fun at that time because I was in the water and the waves and everything, so I was having fun. मीनाक्षी का शूट काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज मीनाक्षी की पर्सनालिटी हाईलाइट हो रही थी। मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की ग्लैमरस दिखने की क्योंकि मैं ग्लैमरस हूँ, क्योंकि मेरी आईज बोलती हैं कि आई एम ग्लैमरस। सबसे अनग्लैमरस मुझे शायद यामिनी लगी। आई डोंट थिंक उसने कोशिश भी की कि मैं थोड़ी सी ग्लैमरस या हॉट लगूँ। जब हम सब लड़कियों का फोटोशूट खत्म हुआ तो हम सब लोग पानी में गए, बहुत मजा आया। Competition से वापस आए, everybody just wanted to get freshen up, and everybody had a long, tiring day. मैं अपने रूम में अपनी रूममेट्स के साथ थी, सो के उठी थी और सडनली मेरे को लड़कों की आवाज आई। Is it mixed villa or is it empty villa? Wake up. 5 minutes. You don't have to get ready. Just get up. Come down. Need आया तुम लोगों को? सारी की सारी 9 लड़कियां लड़कों के पीछे जहाँ वो जिस कमरे में जा रही थी घूम रही थी, तो लड़की आए बाहर लाउंज एरिया में बैठे गप्पे मार रहे थे। मेरा हमेशा श्रद्धा के साथ लिंकअप सा वो होता रहा और लड़कियां हमेशा कहती रहती कि विशाल बिलोंग्स टू श्रद्धा एंड स्टफ। So I was thinking कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा disadvantage है। So I always liked Priyanka from day one. तो मैं चाहता भी था कि प्रियंका इससे पहले कभी किसी डेट में नहीं आई थी, तो मैं चाहता था कि प्रियंका के साथ कभी अगर हो सके तो एक डेट पे जाऊँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ और उस लड़की को मैं जानना चाहता था। प्रियंका Vishal ने प्रियंका से पूछा, you know, he said, I would like to spend some time with you. Of course, मुझे बुरा लगा। Starting में मुझे काफी irritation हुई, obviously, because प्रियंका को लेके गया विशाल, श्रद्धा को क्यों नहीं लेके गया या मुझे क्यों नहीं लेके गया।